तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी का एग्जाम समाप्त हो चुका है आप सभी के बीच हम आंसर की लेकर के आ गए हैं जो जो स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं आंसर को मिलाते चलिएगा ये सेट जी है दोस्तों आप सभी को बता दें कि सेट ए से लेकर जे तक टोटल का आंसर इसी सेट में मिलने वाला है क्वेश्चन को सिर्फ आगे पीछे करके मिला लीजिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दें सेट पर पहली बार जो है तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें देखिए दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न बोला गया था पूछा गया था जो भानुमति का पिटारा मुहावरे का अर्थ है क्या मुहावरे का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं का भंडार तो राइट आंसर बी हो जाएंगे देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था अज्ञान शब्द कौन समास है कौन समास है ये दोस्तों कर्मधारा समास तो राइट आंसर बी हो जाएंगे तीसरा प्रश्न पूछा गया था निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है कौन है दोस्तों बुढ़ापा राइट आंसर ए हो जाएंगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न पूछा गया था बहादुर शीर्षक कहानी में कहानी की निर्मला कौन थी निर्मला कौन थी दोस्तों ये थी लेखक की पत्नी तो राइट आंसर बी हो जाएंगे पांचवा प्रश्न है असाधी किस कवि की रचना है ये थे किसके गुरु नानक के तो राइट आंसर डी हो जाएंगे छठा प्रश्न पूछा गया था किनके के जन्मदिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है किनके मनाया जाता है महात्मा गांधी तो राइट आंसर ए हो जाएंगे सातवां में प्रश्न पूछा गया था गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखे किस भाषा में लिखे हिंदी तो राइट आंसर बी हो जाएंगे देखिए आठवा न प्रश्न पूछा गया था सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे कौन थे दोस्तों रसखान तो राइट आंसर ए हो जाएंगे नौवा गया था रसखान का रचना काल था तो रचना काल कौन था दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा दसवा प्रश्न में सच्चा प्रेम जो वेदना सहता है उसे चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किसका है किसका है दोस्तों यह है आपका घनानंद ने तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ग्यारहवा प्रश्न पूछा गया था निम्न में शुद्ध शब्द है कौन है दोस्तों निम्न में से शुद्ध शब्द है हिंदू तो राइट आंसर बी हो जाएंगे चलिए आगे देख लेते हैं बारह नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था विवाह शब्द है तो विवाह शब्द जो है दोस्तों पुलिंग है तो राइट आंसर बी हो जाएंगे तेरह नंबर प्रश्न पूछा गया था मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है किस काल का उदाहरण है वर्तमान काल का तो राइट आंसर ए हो जाएंगे चौदह प्रश्न पूछा गया था लंबोदर शब्द कौन समास है यह कौन समास है दोस्तों तो राइट आंसर बी हो जाएंगे पंद्रह था महिला का पर्यावाचित शब्द नारी हो जाएगा तो राइट आंसर बी हो जाएंगे सोलह एडी शब्द का विलोम है कौन है दोस्तों चोटी तो राइट आंसर सी हो जाएंगे सत्रह प्रश्न है अक्ल पर पत्थर पड़ना इसका अर्थ जो है दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट होना तो राइट आंसर डी हो जाएंगे अठारह प्रश्न पूछा गया है लिखावट शब्द है लिखावट कौन सा शब्द है दोस्तों स्त्रीलिंग तो राइट आंसर ए हो जाएंगे देखिए उन्नीसवे प्रश्न श्रीमान का स, श्रीमान शब्द का स्त्री लिंग रूप क्या है क्या है दोस्तों श्रीमती तो राइट आंसर सी हो जाएंगे देखिए बीस नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था शुद्ध शब्द है शुद्ध शब्द कौन है दोस्तों तो बीस का राइट आंसर जो है तत्कालिक है तो राइट आंसर सी हो जाएंगे इक्कीसवें प्रश्न पूछा गया था आम का पर्यावाचिक कौन है कौन है दोस्तों रसाल तो राइट आंसर डी हो जाएंगे बाईसवें प्रश्न पूछा गया था निम्न में शुद्ध शब्द कौन है शुद्ध शब्द कौन है अनाधिकार राइट आंसर ए हो जाएंगे तेईस नंबर प्रश्न पूछा गया था आमरण शब्द में उपसर्ग है तो आमरण में उपसर्ग अ हो जाएंगे तो राइट आंसर ए हो जाएंगे देखिए चौबीस नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था मानव मुक्ति के पुरोध किसे कहा गया है किसे कहा गया है दोस्तों नलिन बिलोचन भी शर्मा को तो राइट आंसर ए हो जाएंगे देखिए पच्चीस नंबर प्रश्न पूछा गया था मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ इस कथन किसका है यह जो कथन है दोस्तों किसका है ये कथन है मुखर्जी साहब का तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे छब्बीस नंबर प्रश्न पूछा गया था हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया किसने करवाया दोस्तों ये आपका क्या करवाना है मैक्स मुलर ने करवाया था तो राइट आंसर बी हो जाएंगे सत्ताईस प्रश्न पूछा गया था निर्वंश विद्या का संबंध किससे है यह किससे संबंध है दोस्तों आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट right आंसर क्या होगा देखिए अट्ठाईस नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं ये सब रिविजन करा चुके थे गौड़ देश के कहाँ के प्रश्न सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है किसकी रचना है दोस्तों यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूर्य नामक पुस्तक की रचना कौन है तो राइट right आंसर क्या होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तीसरा नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है किस भाषाएं में लिखी जाती है खरोष्ठी तो राइट आंसर बी हो जाएंगे इकतीसवें प्रश्न पूछा गया था तुम क्या खा रहे हो रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो राइट आंसर बी हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि क्या खा रहे हो देखिए

शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों इसमें से जो शुद्ध वाक्य आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम है तो राइट आंसर डी हो जाएंगे देखिए छत्तीस नंबर प्रश्न पूछा गया था मगम्मा क्या बेचती थी दही बेचती थी राइट आंसर सी हो जाएंगे फटाफट आंसर को मिलाते चलिएगा दोस्तों सैंतीस नंबर प्रश्न है मगम्मा कहाँ की रहने वाली है कहाँ की रहने वाली है दोस्तों ये है अवलूर के पास किसी गाँव की तो राइट आंसर ए हो जाएंगे वैसे बंगलोर का एक बगल का गाँव है दोस्तों अवलूर चलिए आगे देख लेते हैं अड़तीस नंबर प्रश्न है मगम्मा किस भाषा की कहानी है कन्नड़ की है किसकी दोस्तों कन्नड़ की तो राइट आंसर डी हो जाएंगे उनचालीस नंबर प्रश्न है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है दोस्तों सावर दैया कौन है दोस्तों सावर दैया तो राइट आंसर डी हो जाएंगे चालीस नंबर प्रश्न पूछा गया था लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था कब हुआ था दोस्तों उन्नीस सौ पैंतीस ईस्वी में देखिए इकतालीस नंबर प्रश्न पूछा गया था दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है जी हाँ दोस्तों दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दूर दूर जो जोड़ गंध तो राइट आंसर सी हो जाएंगे प्रश्न पूछा गया था औा का उच्चारण स्थान क्या है कंठ हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएंगे तैतालीस नंबर प्रश्न पूछा गया था लोहा शब्द है लोहा शब्द क्या है पुलीलिंग तो राइट आंसर बी हो जाएंगे देखिए चौवालीस नंबर प्रश्न पूछा गया था कलम का कलम शब्द कौन संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा तो राइट आंसर ए हो जाएंगे पैंतालीस नंबर प्रश्न है नाच न जाने अंगना टेढ़ा लोककृत का क्या अर्थ है इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे काम ना जाना और बहाना बनाना तो राइट आंसर सी हो जाएंगे पैंतालीस का चलिए आगे देख लेते हैं नंबर प्रश्न प्रश्न पूछा पूछा गया गया था था गुण शब्द का विलोम होगा होगा क्या दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएंगे प्रत्येक शब्द कौन समास है कौन समास है दोस्तों अवय भाव समाज तो राइट आंसर ये हो जाएंगे अड़तालीस प्रश्न पूछा गया था राम खाता होगा कौन काल है ये कौन काल है दोस्तों आपका संदिग्ध वर्तमान काल तो राइट आंसर बी हो जाएंगे देखिए उनचास नंबर प्रश्न है सभा शब्द कौन संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा तो राइट आंसर सी हो जाएंगे पचास नंबर प्रश्न है आग शब्द है आग जो शब्द है दोस्तों कैसा शब्द है ये है दोस्तों आपका तत्भव तो राइट आंसर बी हो जाएंगे देखिए इक्यावन नंबर प्रश्न पूछा गया था जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है किस लेखक की रचना है अमरकांत की तो राइट आंसर डी हो जाएंगे बावन नंबर प्रश्न पूछा गया था बहादुर को लेकर कौन आया था लेखक का साल आया था तो राइट आंसर बी हो जाएंगे देखिए तिरपन नंबर प्रश्न पूछा गया था लेखक रामविलास शर्मा के गाँव का क्या नाम था क्या नाम था दोस्तों उच्च गाँव सानी तो राइट आंसर बी हो जाएंगे चौवन नंबर प्रश्न पूछा गया था पंडित बिरजू महाराज किस घराने घराने के वंशज थे लखनऊ घराने के वंश आंसर तो बी हो जाएंगे टोटल रिवीजन क्वेश्चन था दोस्तों देखिए पचपन नंबर प्रश्न पूछा गया था भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं किस निबंध की पंक्ति है किस निबंध की पंक्ति है यह है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा तो राइट आंसर सी हो जाएंगे छप्पन नंबर प्रश्न पूछा गया था बिरजू महाराज का संबंध है बिरजू महाराज का संबंध इनमें से कोई नहीं है तो राइट आंसर डी हो जाएंगे देखिए संतावन नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है निश्चय का विलोम यानी कि उल्टा पूछा गया था तो अनिश्चय हो जाएंगे तो राइट आंसर सी हो जाएंगे अंठावन प्रश्न पूछा गया था वास्तविक शब्द में प्रत्यय है एक हो जाएंगे राइट आंसर डी हो जाएंगे देखिए उनसठ नंबर प्रश्न पूछा गया था रुचि शब्द का विशेषण है जी हाँ दोस्तों रुचि का विशेषण क्या हो जाएगा रुचिकर तो राइट आंसर ए हो जाएंगे साठ नंबर प्रश्न पूछा गया था महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा क्या होगा दोस्तों महाशाया तो राइट आंसर बी हो जाएंगे

क्या नहीं अर्थ अर्था दोस्तों ये अर्थ था खरगोश तो राइट आंसर ये हो जाएंगे देखिए पैंसठ नंबर प्रश्न पूछा गया था कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था जी हाँ दोस्तों कौन सा महीना था वो महीना आपका क्या था महीना था आपका जेस्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे छियासठ नंबर प्रश्न पूछा गया था पपाती किस पर लेटी हुई थी पपाती किस पर लेटी हुई थी खटिया पे तो राइट आंसर सी हो जाएंगे सड़सठ सड़ नंबर प्रश्न पूछा गया था धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है किसे होने लगा दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा अड़सठ नंबर प्रश्न पूछा गया था सीता के कितने लड़के थे कितने लड़के थे तीन लड़के तो राइट आंसर ए हो जाएंगे चलिए आगे देख लेते हैं देखिए उनहत्तर नंबर प्रश्न पूछा गया था तुलनात्मक व्याकरण की रचना है जी हाँ दोस्तों किसकी रचना है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए सत्तर उच्चारण स्थान क्या है का उच्चारण स्थान है है तो राइट आंसर ये हो जाएंगे प्रश्न सुजान सागर किसकी रचना है सुजान सागर जो है दोस्तों घनानंद की रचना है तो राइट आंसर डी हो जाएंगे बहत्तर प्रश्न पूछा गया था अति सुधो स्नेह की मार्ग छंद के रचनाकार है कौन है दोस्तों आज तो राइट आंसर ये हो जाएंगे देखिए तिहत्तर प्रश्न पूछा गया था प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे किस युग के प्रमुख कवि थे दोस्तों किस कवि की रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की तो राइट आंसर ए हो जाएंगे पचहत्तर प्रश्न स्वदेशी कविता संकलित है किस किससे संकलित है दोस्तों ये संकलित है ग्राम्य से तो राइट आंसर ए हो जाएंगे छिहतर प्रश्न सुमित्र सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था कब हुआ था दोस्तों उन्नीस सौ ईस्वी में राइट आंसर सी हो जाएंगे देखिए सतहत्तर नंबर प्रश्न पूछा गया था खेत शब्द है खेत शब्द है क्या है दोस्तों तो राइट आंसर बी हो जाएंगे अठहत्तर नंबर प्रश्न पूछा गया था सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी सत्याग्रह तो राइट आंसर सी हो जाएंगे उनासी नंबर प्रश्न पूछा गया था वह छत से गिर पड़ा यह किस कारक का उदाहरण है यह किस कारक का उदाहरण है दोस्तों अपदान कारक तो राइट आंसर ये हो जाएंगे अस्सी नंबर प्रश्न पूछा गया था ग का उच्चारण स्थान है ग का उच्चारण स्थान सी हो जाएंगे कंठ देखिए इक्यासी नंबर प्रश्न पूछा गया था मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी पोते के लिए ले जा रही थी तो राइट आंसर ये हो जाएंगे बेरासी नंबर प्रश्न पूछा गया था ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया उड़ीसा को टोटल रिविजन करा चुके हैं तो राइट आंसर ये हो जाएंगे तिरासी नंबर प्रश्न पूछा गया था पहले दिन पपाती को क्या था क्या था दोस्तों तेरासी का राइट आंसर राइट आंसर सी था क्योंकि एक प्रकार की बीमारी है लेकिन लेकिन मैंने मैंने नहीं दिया लेकिन हो जाएंगे देखिए प्रश्न ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है स्कूल कहाँ है दोस्तों ये है आपके टीले के नीचे तो राइट आंसर बी हो जाएंगे पचासी नंबर पूछा गया था सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया कितना रुपया देने का लिया था इसके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा देखिए में पूछा गया अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है कौन वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य तो राइट आंसर भी हो जाएंगे सत्तासी प्रश्न पूछा गया था संतु मछली लेकर क्यों भागा कुएं में डालने के लिए तो राइट आंसर ये हो जाएंगे अट्ठासीवें प्रश्न है एक ब्रिज की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है किस कविता से है इन दिनों तो राइट आंसर भी हो जाएंगे और नवासी प्रश्न पूछा गया था नदी के द्वीप किस कवि की रचना है किस कवि की रचना है ताज पहन इकलाती इठलाती इस कविता की पंक्ति है यानी कि किस कविता की पंक्ति है दोस्तों जनतंत्र का जन्म तो राइट आंसर डी हो जाएंगे इक्यानवे नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है बेरोजगारी आंसर ए हो जाएंगे चलिए आगे देख लेते हैं बेरोजगारी देखिए दोस्तों बानवे दात शीर्षक है किस गवर्नर जनरल के समय एक दासिक नामक सोने से भरा घड़ा मिला था किसको मिला था दोस्तों ये मिला था आपको लॉर्ड डॉल सॉरी हाँ वारेन हेस्टिंग राइट आंसर सी हो जाएंगे देखिए चौरानवे प्रश्न पूछा गया था पुराने का मोह सब समय वाचनीय नहीं होता इस पंक्ति का पाठ की है पंक्ति का पाठ पूछा गया।, तो गया था कौन हो जाएगा दोस्तों बहादुर तो राइट आंसर बी हो जाएंगे पंचानवे नंबर पूछा गया था मछली किस प्रकार की कहानी है किस प्रकार की कहानी है दोस्तों सामाजिक तो राइट आंसर बी हो जाएंगे छियानवे नंबर प्रश्न पूछा गया था मेरा धर्म कैद खाने का धर्, धर्म नहीं है इस पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है यह जो है दोस्तों शिक्षा और संस्कृति तो राइट आंसर सी हो जाएंगे संतानवे प्रश्न लेखक अभिनय क्या साथ लेकर गए थे क्या साथ लेकर के गए थे दोस्तों पुस्तक टाइप राइटर और तो राइट आंसर बी हो जाएंगे अंठानवे नंबर प्रश्न पूछा गया था किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती किसके बिना नहीं मिलती दोस्तों गुरु के बिना तो राइट आंसर सी हो जाएंगे निन्यानवे नंबर प्रश्न पूछा गया था सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे कौन कवि थे दोस्तों ये थे रसखान्त राइट आंसर ये हो जाएंगे सौ नंबर आपका प्रश्न पूछा गया था घनानंद किस भाषा के कवि हैं किस भाषा के कवि हैं ब्रज भाषा तो राइट आंसर भी हो जाएंगे तो दोस्तों आप सभी को बता दें एक से लेकर सौ क्वेश्चन हम कंप्लीट करा रखें आप आंसर को मिला करके कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर मेरा इतना नंबर सही हुआ तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तब तक लिए बाय बाय दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट में थैंक यू दोस्तों